जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नूपा हेल्थ लाइफ। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। तो कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे हम इसको घर पे क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ताकि हमें मेडिसिन ना लेना पड़े, मेडिसिन पे डिपेंड ना रहना पड़े, तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। तो आप लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहना, आपको समझ में आ जाएगा कि इसको हम कैसे घर पे ही क्योर कर सकते हैं, हमें मेडिसिन लेने की आगे ज़रूरत ना पड़े। तो बात करते हैं, जैसे हम देखते हैं बढ़ती एज के साथ या फिर आपकी ओबेसिटी बढ़ने के साथ जवानी में, तो आपका क्या ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाता है। तो इसको समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं कि कैसे होता है। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करता है, तो एक मशीन लेके आता है, उसमें आपके हाथ के ऊपर एक पट्टा होता है, उसको बांध देता है, उसमें फिर एयर प्रेशर डालता है, तो पट्टा हमारे हाथ को प्रेस करता है। प्रेस करता है तो उसका, तो फिर क्या देखा जाता है। इसमें सबसे ज़रूरी है समझने की बात, आप इसके लॉजिक को समझना कि कैसे ब्लड प्रेशर हमारा हाई कैसे हो रहा है। अगर वो प्रेस होने के बाद अगर हमारा ब्लड अपनी नसों के अंदर से आगे पहुँचने के लिए जितना प्रेशर लगाता है, उसे ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तो समझ लो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। अगर वो नॉर्मली मूव कर रहा है इसके बाद भी, तो इसका मतलब है हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। तो इसके लिए अब आपको देखना है कि हमें इस ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कैसे करना होगा। आप देखते होंगे गांव में, शहरों में बड़े बूढ़े क्या हाथों ऊपर ऐसे तालियां बजाते रहते हैं, उनको बोला जाता है कि ऐसे ऐसे बजाओ। इससे क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। नॉर्मल वॉकिंग करते हैं, लोअर बॉडी का ब्लड प्रेशर या फिर ब्लड फ्लो होता है वो नॉर्मल रहता है। अपर बॉडी हम यूज में नहीं लाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहने लग गए हैं या फिर एसी में रहते हैं, अपर बॉडी को बहुत कम यूज करने लग गए हैं। एक घर में ही वॉकिंग कर रहे हैं, 10-15 मीटर में ही वॉक चल रही है, पूरा दिन वहीं पे, या हमारा वर्किंग शेड्यूल ऐसा है, तो हमारी अपर बॉडी मैक्सिमम यूज नहीं हो पाती। तो इसका एक ही ऐसा सॉल्यूशन है जो आप घर पे कर सकते हैं, आपको अपर बॉडी को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, उसका वर्कआउट करना है। अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है ये फील हो रहा है, तो आप अपनी अपर बॉडी का वर्कआउट स्टार्ट कर दें, तो आपको फायदा मिलने लग जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लग जाएगा। तो आपको इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखना कि ये है कि नहीं, क्योंकि बढ़ती एज के साथ या हमारी ओबेसिटी बढ़ गई है, तो हमारी जो नसें हैं वो नैरो हो गई हैं, चर्बी की लेयर बढ़ने के कारण वो नसों को हमारे नैरो करते जा रहे हैं, जिससे हमारा ब्लड फ्लो, ब्लड को फ्लो करने में प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। या फिर लो ब्लड प्रेशर है कि आप खड़े होते हैं, कई बार आपको चक्कर आने लग जाते हैं, तो उसमें क्या देखें हो, कईयों को आता होगा, कई लोग देखते होंगे आप कई बैठ के कई देर तक बैठ के उठते हो, चक्कर फील होंगे, तो आपका ब्लड प्रेशर लो है। तो आपको कोशिश करना है इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है, इसमें आप सोल्ट की इंटेक भी बढ़ा सकते हैं, तो उससे आपको फायदा होगा। तो कोशिश करना मेन है, सबसे ज़्यादा खतरनाक हमारे लिए हाई ब्लड प्रेशर, जो कि जैसे ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है इससे हमारा, या फिर पैरालाइज भी हो सकती है बॉडी, और ऐसी पता नहीं कितनी खतरनाक बीमारियां हाई ब्लड प्रेशर के कारण आपको हो सकती है। तो आप इसको घर पे ही, अपने घर पे जब तक आप इन चीज़ों को ट्राई नहीं करोगे, बॉडी को कंफर्ट जोन में रखोगे, तो आपको ये दिक्कत आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हमारा खान पान भी ऐसा है, मूवमेंट बहुत कम हो रहा है, बॉडी का मूवमेंट कम हो रहा है, हमारा वर्किंग स्टाइल ऐसा है। तो इसको आप ट्राई करके देखें, घर पे ट्राई करके देखो, आपको फायदा होगा। अब लास्ट में मैं इसके बारे में बस यही कहना चाहूँगा कि ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको इसको बुक्स में जाके नीचे तक पढ़ना, बहुत गहराई के साथ पढ़ना, पढ़ लोगे लेकिन आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। एक देसी सा तरीका, आपको अपनी अपर बॉडी को मैक्सिमम यूज करना है, आपकी ये जो नसें हैं वो डायलेट हो जाएंगी, खुल जाएंगी, और ब्लड आसानी से फ्लो करेगा और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। आपने देखा होगा जो ज़्यादा रनर भी हैं, जो रनिंग ज़्यादा करते हैं लेकिन अपर बॉडी का वर्कआउट नहीं करते, उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है। वो क्या सोचते हैं कि हमने तो भाई वर्कआउट बहुत ज़्यादा किया, लेकिन वर्कआउट तो किया लेकिन अपर बॉडी आपने इतनी यूज़ नहीं की। आपको मोस्टली जिम में देखते होंगे, उनकी वेंस दिखते हैं, ऐसे नसें ये दिखाई देती हैं हाथों के ऊपर, तो क्या होता है कि उनकी जो वेंस हैं वो डायलेट हो चुकी हैं, खुल चुकी हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, तो इस चीज़ का फायदा ले लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही ब्लड प्रेशर के बारे में, आशा करता हूँ कि आप जान चुके होंगे। नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा मैं, एक
ब्लड शुगर के बारे में, उसको जानेंगे कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, कैसे नॉर्मल रह सकता है हमारा ब्लड शुगर और कैसे घर पे ही हम उसको क्योर कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा बुरा लगा, इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।